Hello friends, welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, then I am Sonali. I am a nurse from India and currently I am working in UK under NHS Trust. So if you are interested and you are the nurse and if you want to come here in UK to work as a NHS nurse, then please subscribe to my YouTube channel because I am making all the videos related to this topic, how to become a nurse in UK. यूके में कैसे आना है, अगर आपने इंडिया से नर्सिंग किया है तो आपको यूके कैसे आना है, उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना है, यूके आने के बाद आपको क्या करना है. दिस एवरीथिंग आई एम कवरिंग इन दिस यूट्यूब चैनल एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो मेक ब्लॉग्स रिलेटेड टू ट्रैवलिंग एंड फूड. सो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो टूडेज वीडियो टॉपिक इज ऑल अबाउट ऑस्की एग्ज़ाम. I already made two videos related to my OSCE exam experience and after that I got a few message on Instagram regarding the OSCE syllabus. So I decided to make a series of video related to OSCE, like introduction to OSCE, then what all things OSCE contain and how to prepare for OSCE. So this is my first video and in this video I am going to cover the basic introduction, basic information about OSCE, what is OSCE, what all stations are there, that everything I'm going to cover in this video. So keep watching. ओके तो अगर आप इंडिया में एज अ नर्स काम कर रहे हैं करंटली या फिर आप यूके ऑलरेडी आ चुके हैं टू वर्क इन एनएचएस और इन एनी अदर डिपार्टमेंट बट एज अ नर्स तो आपको पता होगा ये एग्ज़ाम के बारे में. सो ये एग्ज़ाम आपको देना बहुत नेसेसरी है. सो ऑस्की ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन. सो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ऑस्की और इसके अंडर जो रिसेंट एग्ज़ाम है यूके में उसके अंडर टोटल 10 स्टेशंस है. इफ़ यू वॉन्ट टू राइट डाउन प्लीज ग्रैब योर पेन एंड पेपर एंड मेक नोट्स बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल अबाउट विच ऑल स्टेशंस आर देयर. आई एम गोइंग टू टेल ऑल द स्टेशंस इन दिस वीडियो. सो इट मे इम्पॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी ऑस्की. यू कैन स्टडी इट बाई योर ओन एट योर होम बाय वॉचिंग दिस वीडियोज. सो फर्स्टली देयर आर फोर फिक्स स्टेशंस. सो फर्स्ट स्टेशन इज असेसमेंट. यहाँ पे आपको एक पेशेंट मिलेगा, आपको उसका प्रॉपर असेसमेंट करना है, लाइक ए टू ई असेसमेंट विच इंक्लूड एयर वे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर. और उसके बाद आपको पेशेंट को कुछ हॉलिस्टिक असेसमेंट के क्वेश्चन पूछने हैं टू नो मोर अबाउट पेशेंट प्रॉब्लम्स. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट असेसमेंट और दिस इज फॉर 20 मिनट्स. तो आपको असेसमेंट स्टेशन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 20 मिनट का टाइम मिलने वाला है. तो यू हैव टू बी रियली वेरी वेरी क्विक. सो दिस इज़ अबाउट द असेसमेंट. देन द सेकेंड स्टेशन इज यू कैन राइट डाउन द टाइम एज वेल, असेसमेंट फॉर 20 मिनट्स. देन द सेकेंड स्टेशन इज प्लानिंग. सो प्लानिंग मीन्स आपको जो पेशेंट मिला है असेसमेंट में और आपने जो भी पेशेंट के प्रॉब्लम्स फाइंड आउट किए हैं आफ्टर डूइंग द असेसमेंट, वही प्रॉब्लम के ऊपर आपको पेशेंट के लिए केयर प्लान फॉर्म करना है एंड दैट टू टू केयर प्लान्स. ओके सो यू हैव टू मेक टू केयर प्लान्स डिपेंड ऑन पेशेंट नीड. दिस इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग. और दो केयर प्लान बनाने के लिए आपको फर्स्टली आपको वन नीड यू हैव टू राइट, टू नीड्स, आइडेंटिफाई टू प्रायोरिटी नीड्स एंड उसके ऊपर आपको इंटरवेंशंस लिखना है कि This is the problem of my patient. तो ये problem के लिए what all things you will do for patient, what all things you will provide, what you will teach to the patient, वो आपको intervention में include करना है. ऐसे आपको दो care plan बनाने हैं और उसके लिए आपको total 14 minutes मिलेंगे. Okay, so 14 minutes के अंदर आपको दो care plan बनाने हैं. This is all about planning station. Moving to the next station, third station, that is implementation. अभी implementation means whatever you have planned for patient that you have to implement as per our knowledge. But in this implementation in OSCE, we are actually gonna give medicine to the patient. हम लोग को patient को medicine देना है. There will be one chart, medicine chart. What we call cardex or medicine chart in India. So वैसे एक medicine chart रहेगा
वो चार्ट देख के यू देर विल बी वन ड्यू टाइम, लाइक यू आर गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट एट 12 आवर्स. सो आपको देखना है वो चार्ट में जो भी 12 बजे का मेडिसिन है वो आपको पेशेंट को देना है. बट दिस इज लिटिल ट्रिकी एज दिस इज एग्जाम, इट्स नॉट गना दैट ईजी फॉर यू. सो उसमें ट्रिकी क्या रहेगा कि उन्होंने रॉन्ग मेडिसिन भी लिखा होगा जो पेशेंट ऑलरेडी एलर्जिक है. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट विल बी एलर्जिक टू पेनिसिलिन और प्रिस्क्रिप्शन में अमोक्सिसिलिन लिखा होगा. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. इवन दो अमोक्सिसिलिन इज ड्यू फॉर योर टाइम, यू हैव टू रिमेंबर दैट पेशेंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन. सो यू कैन नॉट गिव एनी मेडिसिन कंटेनिंग पेनिसिलिन टू योर पेशेंट. सो इन दैट केस यू नीड टू ओमिट द ड्रग. एंड ओमिट करके आपको वहाँ पे कोड भी लिखना है. अभी वो कौन से कोड है, कैसे लिखना है, दैट एवरी थिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन माई इम्प्लीमेंटेशन वीडियो. ओके, सो दिस इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको स्टार्टिंग फ्रॉम रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन टिल डिलीवरिंग द मेडिसिन टू द पेशेंट, प्रिस्क्रिप्शन रीड करने से लेके पेशेंट ने मेडिसिन खाने तक और उसके बाद आप साइन करके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने तक आपको टोटल 20 मिनट्स मिलेंगे. तो इस 20 मिनट के अंदर ही आपको पूरा इम्प्लीमेंटेशन स्टेशन कवर करना है. सो दिस इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेशन, दैट इज इवैल्यूएशन. ओके, सो इन दिस इवैल्यूएशन स्टेशन आपने स्टार्टिंग फ्रॉम असेसमेंट, मीन्स फर्स्टली आप पेशेंट को मिलते हो, फिर आप पेशेंट को असेस करते हो कि वॉट आर द प्रॉब्लम्स, यू अंडरस्टैंड द पेशेंट सिचुएशन, पेशेंट कंसर्न. उसके बाद यू आर फॉर्मुलेटिंग प्लान. डू यू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल अबाउट एवरीथिंग इन सीक्वेंस, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूएशन. हम लोग जैसे इंडिया में नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, नर्सिंग केयर प्लान, इट्स सेम. सो वैसे ही फॉर्मेट में आपको सब करना है. सो फोर्थ स्टेशन इज इवेल्यूएशन. आपने फर्स्ट असेसमेंट किया, फिर प्लानिंग किया, फिर इम्प्लीमेंटेशन किया. नाउ यू हैव टू डू द इवेल्यूएशन. तो इन इवेल्यूएशन वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव हैंड ओवर. हैंड ओवर टू द, मे बी यू आर गिविंग हैंड ओवर टू द नेक्स्ट ड्यूटी स्टाफ और मे बी यू आर गिविंग हैंड ओवर टू द डिफरेंट पर्सन फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, मे बी डॉक्टर और मे दे आस्क यू टू रेफर द पर्सन. लाइक यू कैन रेफर द पर्सन टू द डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन और ऑर्थोपेडिक सर्जन, एनी बडी. सो इन दिस केस यू हैव टू गिव दैम वर्बल हैंड ओवर. इवेल्युएशन इज दिस स्टेशन इज ओनली फॉर 8 मिनट्स. या इवेल्युएशन इज फॉर 8 मिनट्स एंड इन दैट यू हैव टू गिव द इवेल्युएशन इन वन स्ट्रक्चर फॉर्मैट दैट्स कॉल्ड एज एस बार. एस बार इट मीन्स सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन. सो ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर गिविंग हैंड ओवर टू द नेक्स्ट ड्यूटी स्टाफ. सो यू हैव टू गिव दिस इवेल्युएशन इन ऑल दिस फॉर्मैट. वॉट ऑल थिंग्स यू डिड इन असेसमेंट, देन बैकग्राउंड, वॉट इज अ पेशेंट बैकग्राउंड, वॉट आर द पास्ट हिस्ट्री, एवरीथिंग विल कम इन बैकग्राउंड. डोंट वरी अबाउट दैट, इन डिटेल्स वी विल सी इन अवर इवेल्युएशन वीडियो. So this is about the evaluation and you will get 8 minutes to format your evaluation and handover, and you have to speak in everything you have to do in that 8 minutes. So this all about the basic four stations of OSCE, that is assessment, planning, implementation and evaluation.